दोस्तों आज की कहानी है, बेटा बहू ने इस घर में पराया कर दिया हमें। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। क्या बात है नीलेश, इतना उदास क्यों लग रहा है? अतुल जो नीलेश का सहकर्मी और दोस्त दोनों था उसकी सीट पर आप पूछने लगा, क्या बताऊं यार, परेशान हो गया हूँ मैं अपनी जिंदगी से, नीलेश दुखी स्वर में बोला। अरे मेरे भाई, अभी तो तेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं, अभी से परेशान हो गया तू? हमें देख, हम तो 6 साल से निभा रहे हैं, अतुल हंसते हुए बोला। यार प्लीज़, मजाक की बात नहीं है, अतुल की बात से सीढ़ कर नीलेश बोला। सब कॉफ़ी पीने चलते हैं, वही बात करेंगे। अतुल उसका हाथ पकड़ कर उठाते हुए बोला, पर यार काम इससे पहले कि नीलेश अपना वाक्य पूरा कर पाता, अतुल उसे बाहर खींच लाया तो मजबूरी में नीलेश को जाना पड़ा। हाँ अब बता समस्या क्या है? कॉफी का ऑर्डर दे, अतुल बोला। यार मुझे घर घर नहीं लगता, घर जाने का भी मन नहीं करता। रीति मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती और अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। अजीब संकट में आ गया हूँ मैं ये शादी करके, नीलेश बोला। रीति को समस्या क्या है अंकल आंटी से? अतुल ने पूछा। यार कोई समस्या हो तो समझ भी आए, माँ पापा ने हर तरह से आज़ादी दे रखी है उसे, बस कभी कभी का कोई सवाल पूछना या अपनी पसंद का खाना बोल देना ही अकड़ता है उसे। अब तो जानता है मैं माँ पापा की शादी के 12 साल बाद हुआ तो अब वो लोग बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी सलाह लेते हैं, बस यही झगड़े की जड़। और मेरे घर जाते ही जब रीति दिन भर का रोना रोती है तो मैं भी माँ पापा पर सिला देता हूँ, फिर खुद ही गिल्ट होता हूँ, पर मैं क्या करूँ यार, घर में कैसे शांति रखूँ? नीलेश लगभग रोते हुए बोला। नीलेश ये बताओ तुम रीति से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अतुल कुछ सोचते हुए बोला। यार बस इतना कि थोड़ा बहुत माँ बापा की पसंद का ख्याल रखे, उन्हें सम्मान दे, बस जिससे उन्हें भी अपना घर लगे। वह अभी तो उन्हें बस बहुत सी शिकायत रहती है कि इस घर में पराया कर दिया हमें, नीलेश बोला। जब तुम बेटे होकर अपने माँ बाप पर सिला देते हो तो रीति से ये एक्सपेक्ट करना बेमानी है कि वह उनकी रेस्पेक्ट करे। तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी गलत है, पर तुम बोलते अपने माँ बाप को हो तो ये रीति कैसे उनसे गलत नहीं बोलेगी? अतुल बोला। पर मैं तो घर की शांति के लिए माँ पापा को बोल जाता हूँ, वरना कई दिन तक घर में कलेश रहता है, रीति का मुंह फूला रहता है। तुझे पता है वो गर्भवती है तो ऐसे में उसे स्ट्रेस भी नहीं दे सकता, इसलिए अपने माँ पापा को ही झिड़क देता हूँ। मैं ना अच्छा बेटा बन पा रहा ना पति, पता नहीं आगे अच्छा पिता बन पाऊँगा या नहीं, नीलेश रुआसा हो बोला। देख नीलेश, सुखी घर गृहस्थी का मूल मंत्र है माँ बाप और पत्नी के बीच सामंजस्य बैठना, वरना तो तू सारी जिंदगी परेशान ही रहेगा। तुझे अपने माता पिता को भी इम्प्रोटेस्ट देनी होगी, बीवी को भी, वरना दोनों के बीच पीसेगा, अतुल ने समझाया और उसे वो मंत्र भी दे दिया। अब नीलेश परिवार के दिन रीति के साथ खुद खाना बनाने लगा, जिससे रीति को अच्छा लगता है और वो अपने माँ बाप की पसंद का ध्यान भी रख लेता है। अरे अरे रीति,
मिरस कम डालो, हमारे बच्चे पर इसका असर होगा। वह अक्सर ये बोल माता पिता का साथ देता। रीति भी उसके इस तरह ध्यान रखने से खुश रहती। माँ ये सब्जियाँ आप काट दो, रीति के हाथ आटे में सने हैं और मुझसे तो आपको पता ही है कैसी बेढंगी सब्जी करती हैं। ये बोल वो माँ को भी काम में लगा लेता, जिससे उन्हें भी तसल्ली होती और अपना मन लगता। वरना तो वो रसोई में आती ही झिझकती कि रीति कुछ बोल ना दे उन्हें। देखो आज फिर पापा जी ने खाना नहीं खाया, बोलते हैं मिर्ची ज्यादा है। अब उनका बुढ़ापा है तो हम क्यों उबली सब्जियां खाएं? कुछ दिन बाद नीलेश के घर आते ही रीति शिकायत लेकर बैठ गई। रीति आज पता है मैं क्या सोच रहा था? नीलेश ने कोई जवाब देने की जगह रीति से सवाल किया। क्या आज नीलेश को उदास और परेशान देख रीति हैरानी से उसके पास बैठते हुए बोली, भगवान करे हमारी बेटी हो और फिर उसके बाद हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। क्या पता दूसरा लड़का हो गया तो। नहीं नहीं मुझे लड़का नहीं चाहिए, नीलेश बोला। कैसी बातें कर रहे हो तुम, लड़कियां तो शादी करके अपने घर चली जाती हैं। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा बनता है। जब हम लासार हो जाएंगे तो हमारी सेवा तो बेटा बहू ही करेंगे ना बेटी थोड़ी, रीति अपनी रो में बोल गई। नहीं रीति ये सब कहने की बातें हैं, आजकल कौन बेटे सेवा करते हैं बुढ़ापे में। नहीं नहीं मुझे बेटा नहीं चाहिए, बुढ़ापे में कैसे भी सही सैन की रोटी तो खा लेंगे दोनों अकेले होंगे तो कलेश ही रहेगा। नीलेश मुंह बनाते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे कलेश रहेगा, हम माँ बाप होंगे उसकी, वो हमारी देखभाल करेगा भी और अपनी पत्नी से करवाएगा भी। रीति बोली, नहीं रीति जब मैं नहीं कर पा रहा अपने माँ बाप की सेवा ना तुमसे करवा पा रहा तो अपने बेटे से भविष्य में क्या उम्मीद रखूँगा। इसलिए मुझे बेटा नहीं चाहिए, वरना वो सारी जिंदगी बीवी और माँ बाप के बीच झूलता रहेगा, दो पल सुकून के नहीं बिता पाएगा घर आकर। और अगर उसकी बीवी ने हमें घर से ही निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? नहीं नहीं हम बस एक बेटी के माँ बाप बनेंगे जो कभी कभी ही सही हमारे हाल तो पूछ लेगी, माँ पापा की तरह अकेले तो नहीं घुटेंगे भी और अपना घर अपना सा लगेगा, पराया नहीं जा कुछ लेने में झिझक को। नीलेश ये बोल फरेश होने सल दिया, ये क्या कह गया नीलेश, और गलत भी क्या कहा, यही तो हो रहा अभी भी। फिर भविष्य में तो बच्चे और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, वो जो घर में देखेंगे वही तो करेंगे। नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं होंगे, रीति बहुत देर तक आत्म चिंतन करती रही। नीलेश बाथरूम से निकल रीति के चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था। रीति चलो खाना खाते हैं, अचानक नीलेश ने उसे झंझोड़ा, हाँ बस 10 मिनट रुकिए मैं अभी लगाती हूँ खाना। ये बोल रीति रसोई में आ गई, जल्दी लाओ रीति भूख लगी है। नीलेश ने थोड़ी देर बाद रीति को आवाज़ लगाई, लीजिए आप शुरू कीजिए मैं इतने पापा जी को ये दलिया देकर आई। रीति उसके आगे खाना रखते हुए बोली और चली गई। रीति के सास ससुर हैरान थे ये देख के आज उनकी बहू ने उनके लिए अलग से दलिया बनाया है, वरना तो वह कहते कहते थक जाते थे। उस पर रीति सास को भी अलग से नहीं बनाने देती थी। इधर नीलेश भी रीति में आगे इस सुखद बदलाव को देख खुश था। उसने मन ही मन अतुल को धन्यवाद किया, क्योंकि अतुल के सहयोग बिना यह संभव ही
नहीं था। अब जब रीति जल्दी ही माँ बनने वाली है, वह नीलेश से अभी शिकायतें तो करती है, पर यह कि माँ जी लाड़ में मुझे रसोई के काम बहुत कम करने देती है, बोलती है ऐसे में आराम की जरूरत है तुम्हें। अब रीति की शिकायतों पर नीलेश खींचता नहीं था, बल्कि उसे प्यार आता था। उधर सास के सहयोग और समर्थन से रीति भी खुश रहने लगी थी और उसके माता पिता को भी घर पर आया नहीं लगता था। अब नीलेश का घर आने का मन भी करता है, क्योंकि वहाँ सिलाने की आवाज़ें की जगह सुकून।